तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो हमने मैंने क्वेश्चन ले रखा है, एक ये है पहला क्वेश्चन है, जो इससे पहले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव और टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना आपको, देखो जब भी आपको ऐसे मिलता है और आपको एक चीज़ इक्वल करनी पड़ती है, फिर एक्स इक्वल करो या फिर वाई इक्वल करो, वाई इक्वल करो या फिर एक्स इक्वल करो। अगर मेरे को दिख रहा है आपको इस पर कि इसमें यहाँ पे टू एक्स है, यहाँ पे एक्स है, कुछ नहीं करते हम, लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो कुछ नहीं करना, इक्वेशन जो वन है उसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा ना। इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाय टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हो जाएगा ये 2x + 2y = 10। क्वेश्चन वन को हमने टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी, इसको सिंपल लिख दोगे आप नीचे ऐसे ही। क्वेश्चन थी, अब देखो अब सबसे मेन पार्ट है, अब यहाँ पे होते हैं साइन चेंज। मतलब देखो यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस होता है जब साइन कुछ नहीं रहता, तो प्लस का साइन था जैसे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, जब माइनस का साइन था यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। जब एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। देखो टू एक्स में से टू, ये माइनस का साइन हो गया था, टू एक्स में से टू एक्स गया तो कट गया, ये प्लस का हो गया था साइन, तो थ्री थ्री और टू फाइव वाई हो गया इक्वल टू टेन में से फोर के सिक्स। आपकी वाई की वैल्यू आ गई आपकी 6/5, मल्टीप्लाई में था यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वाई की वैल्यू आ गई आपकी, आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ वाई। आप किसी भी क्वेश्चन रख सकते हो, पहले में रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, जिसमें आपको ठीक लगे। इन हम लिख रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव थी मेरी इक्वेशन फर्स्ट, जो कि यहाँ थी। इसमें मैंने रखी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है मेरी 6/5, तो एक्स प्लस 6/5 इक्वल टू फाइव। अब एलसीएम ले सकते हो आप, ऐसे हो जाएगा 5x + 6/5 = 5, हो जाएगा 5x + 6 =, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 हो गया, ठीक है। 5x = 25 माइनस का 6, ये प्लस में था यहाँ जगह माइनस में हो जाएगा, या आप क्या आ गया 19, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 19/5। वैसे ही आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन। अब मैं